jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की रिलीज को लेकर विवाद जारी है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म की रिलीज डेट बुधवार को अनाउंस हो सकती है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार फिल्म 9 फरवरी को रिलीज हो सकती है। पिछले दिनों सेंसर बोर्ड ने कुछ बदलाव के साथ फिल्म पद्मावती अब पद्मावत को हरी झंडी दे दी है। अब प्रोड्यूसर फिल्म की नई रिलीज डेट पर विचार कर रहे हैं। फिल्म पद्मावती पहले दिसंबर 2017 को रिलीज होनी थी, लेकिन फिल्म को लेकर देश भर में हुए विरोध के चलते इसे टाल दिया गया था। सेंसर बोर्ड के कहने पर इसका नया नाम पद्मावत तय किया गया है। बोर्ड द्वारा कुछ बदलाव के बाद फिल्म को रिलीज करने की अनुमति देने पर राजपूत संगठन अभी भी नाराज है। संगठन ने बोर्ड से फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इतना ही नहीं, संगठन ने ये धमकी भी दी है कि यदि फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमा घरों में आग लगा दी जाएगी। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना RRKS ने कहा कि सेंसर बोर्ड का इस फिल्म को हरी झंडी देना दुर्भाग्यपूर्ण है। फिल्म को लेकर लंबे से विरोध चल रहा है। आरोप है कि भंसाली ने रानी पद्मावती के व्यक्तित्व को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। संगठन का कहना है कि फिल्म में पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच कुछ लव सीक्वेंस है। हालांकि भंसाली ने खुद इस बात को गलत बताया है। उन्होंने बाद में ये भी कहा था कि उनकी फिल्म मालिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत पर आधारित है।